नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है गांधीवादी दृष्टिकोण से संबंधित। तो इसमें बात करेंगे हम लोग यही एक आखिर चर्चा में क्यों है और गांधीवादी दृष्टिकोण क्या है उसे भी देख लेंगे। स्वदेशी से तात्पर्य क्या है आपका उसे भी देखेंगे। गांधी जी का स्वदेशी दर्शन देखेंगे। गांधी और स्वच्छता को भी देख लेंगे। गांधी और सर्वोदय को भी देखेंगे। गांधी और पर्यावरण देखेंगे। वर्तमान में गांधी की प्रासंगिकता क्या है उसे भी देख लेंगे। याद रखिए यह वही गांधी जी हैं जो आपके 1915 में भारत वापस आते हैं। 1915 से पहले इन्हें कोई नहीं जानता था। 1915 के पहले भारत में गांधी जी को कोई नहीं जानता था, गिने चुने आदमी ही जान सकता। लेकिन इन्होंने 1915 के बाद 1920 तक आते आते इन्हें पूरा भारत जानने लगा। इन 3-4 वर्षों में उन्होंने ऐसे कार्य किए कि उन्हें पूरा भारत जानने लगा। भारत ही क्या, पूरा वर्ल्ड में उनकी खबर फैल गई। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि आखिर उनके क्या दर्शन रहे, उनमें खासियत क्या रही है जो उनको इस तरह से उनकी पॉपुलर हुए, वो चर्चित हुए। आज आधुनिकता की अंधाधुंध दौड़ में दौड़ रहे हैं विश्व के सभी देशों की गति पर कोरोना वायरस ने ब्रेक लगा दिया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कोरोना वायरस का तेजी से प्रसार इसी दौड़ का परिणाम है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन की व्यवस्था अपनाई गई है। इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण पर आधारित स्वदेशी, स्वच्छता और सर्वोदय की अवधारणा का महत्वपूर्ण स्थान है। सामान्यतः महात्मा गांधी को औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध विरुद्ध संघर्ष करने वालों योद्धा के रूप में देखा जाता है। किंतु यदि हम गहराई से देखें तो गांधी जी ने न केवल स्वतंत्रता की लड़ाई बल्कि उन्होंने हर समय भारतीय सभ्यता को श्रेष्ठता दिलाने का प्रयास भी किया है और विश्व व्यवस्था के समक्ष भारतीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व भी किया है। पश्चिमी सभ्यता के वर्चस्व वाले उस युग में गांधी जी ने भारतीय सभ्यता को श्रेष्ठ बताते हुए उसे संपूर्ण विश्व के लिए एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। रामधारी सिंह दिनकर साहब ने गांधी के बारे में उचित ही लिखा है, एक देश में बांध संकुचित करो ना इसको, गांधी का कर्तव्य क्षेत्र दिख नहीं काल है, गांधी है कल्पना जगत के अगले युग की, गांधी मानवता का अगला खुद विकास है। तो अब बात करते हैं आखिर गांधीवादी दृष्टिकोण है क्या। गांधीवादी दृष्टिकोण महात्मा गांधी द्वारा अपनाई और विकसित की गई उन धार्मिक सामाजिक विचारों का समूह है जो उन्होंने पहली बार 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में तथा उसके बाद फिर भारत में अपनाए थे। गांधीवादी दर्शन न केवल राजनीति, नैतिक और धार्मिक है बल्कि पारंपरिक और आधुनिक तथा सरल एवं जटिल भी है। यह कई पश्चिमी प्रभावों का प्रतीक भी है जिनको गांधी जी ने उजागर किया था, लेकिन यह प्राचीन भारतीय संस्कृति में निहित है तथा सार्वभौमिक नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता है। गांधीवादी दृष्टिकोण आदर्शवाद पर नहीं बल्कि व्यवहारिक आदर्शवाद पर जोर देती है। गांधी जी का दृष्टिकोण विभिन्न प्रेरणादायक स्रोतों व नायकों जैसे भगवद गीता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाइबिल, गोपाल कृष्ण गोखले, टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन आदि से प्रभावित था। गांधी जी पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने वर्ष 1909 में अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में मशीनीकरण के भयावह रूप को रेखांकित करते हुए स्वदेशी की महत्ता को बताया था। गांधी जी ने रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट में से सर्वोदय के सिद्धांत को ग्रहण किया, उसे जीवन में उतारा।
गांधी जी के लिए स्वच्छता एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा था। वर्ष 1895 में जब ब्रिटिश सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और एशियाई व्यापारियों से उनके स्थानों को गंदा रखने के आधार पर भेदभाव किया था, तब से लेकर जीवन भर गांधी जी लगातार स्वच्छता पर जोर देते रहे। जो आपका स्वच्छ भारत अभियान चला था, ये भी गांधी जी के ही स्वच्छता के आधार पर चलाया गया था। क्योंकि आपने देखा होगा, मोदी गांधी की राहों पर कुछ ज्यादा ही चलते हैं। देखा होगा आपने, 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, फिर 2019 में आकर उन्हीं की जयंती पर खुले में शौच मुक्त भारत को कर दिया। लेकिन खैर, मोदी के कई नेता उनके पार्टी के गांधी जी को उल्टा सीधे वही बोलते हैं, सुनाओ। चलिए छोड़िए। स्वदेशी से तात्पर्य, स्वदेशी शब्द संस्कृत से लिया गया और यह संस्कृत के दो शब्दों का एक संयोजन है। स्व का अर्थ है स्वयं और देश का अर्थ है देश। स्वदेशी का अर्थ अपने देश से है, लेकिन व्यवहारिक संदर्भों में इसका अर्थ आत्मनिर्भरता के रूप में लिया जा सकता है। गांधी जी का मानना था कि इससे स्वतंत्रता स्वराज को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि भारत का ब्रिटिश नियंत्रण उनके स्वदेशी उद्योगों के नियंत्रण में निहित था। स्वदेशी भारत की स्वतंत्रता की कुंजी थी और महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में चरखे द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया था। गांधी का स्वदेशी दर्शन देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने लेखन से स्वदेशी की आलख जगाई। वर्ष 1905 का बंग भंग विरोधी आंदोलन में भी स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत था, जब बंगाल में विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई और उनके बहिष्कार पर बल दिया गया। इस स्वदेशी भाव को राष्ट्रीय स्तर पर बहुआयामी स्वरूप प्रदान करने का कार्य वर्ष 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया या कर किया। उन्होंने उसे न केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा उनके अग्निदाह तक सीमित रखा, बल्कि उद्योग, शिल्प, भाषा, शिक्षा, वेशभूषा आदि को भी स्वदेशी के रंग में रंग दिया। परंतु स्वतंत्रता के बाद गांधी जी की मृत्यु के साथ ही उनके स्वदेशी की अवधारणा भी लुप्त होने लगी। आधुनिक भारत के मंदिरों के नाम पर स्वदेशी धरती पर विदेशी मशीनों को लाकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित की जाने लगी। नतीजतन देश के तमाम हस्तोद्योग, कुटीर उद्योग लुप्त होते चले गए। घर घर से चरखा गायब होता चला गया और शहरों से लेकर गांव तक देसी विदेशी फैक्ट्रियों के उत्पादित माल बाजार में छा गए। हस्तोद्योग, कुटीर उद्योग के लुप्त होने से भारत ने अपने विनिर्माण क्षेत्र को खो दिया। बात करते हैं गांधी जी और स्वच्छता। भारत में गांधी जी ने गांव की स्वच्छता के संदर्भ में सार्वजनिक रूप से अपना पहला भाषण 14 फरवरी 1916 में मिशनरी सम्मेलन के दौरान दिया था। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कहा था कि गांव की स्वच्छता के सवाल को बहुत पहले हल कर लिया जाना चाहिए था। गांधी जी ने स्कूली और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में स्वच्छता को तुरंत शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। गांधी जी ने रेलवे के तीसरे श्रेणी के डिब्बे में बैठकर दिन भर में व्यापक दौरे किए थे। वह भारतीय रेलवे के तीसरे श्रेणी के डिब्बे की गंदगी से स्तब्ध और भयभीत थे। उन्होंने समाचार पत्रों को लिखे पत्र के माध्यम से इस ओर सबका ध्यान आकर्षित किया। 25 सितंबर 1917 को लिखे अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि इस तरह की संकट की स्थिति में तो यात्री परिवहन को बंद कर देना चाहिए। जिस तरह की गंदगी और स्थिति इन डिब्बों में है, उसे जारी नहीं रहने दिया जा सकता, क्योंकि वह हमारे स्वास्थ्य और नैतिकता
को प्रभावित करती है। वर्ष 1920 में गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। यह विद्यापीठ आश्रम की जीवन पद्धति पर आधारित था, इसलिए वहां शिक्षकों, छात्रों और अन्य स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं को प्रारंभ से ही स्वच्छता के कार्य में लगाया जाता था। गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीणों को अपने आसपास और गांव को साफ रखते हुए स्वच्छता का माहौल विकसित करने की तुरंत जरूरत के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। पता है आप लोगों को, गांधी जी ने जब आजाद हुआ भारत हमारा, तो गांधी जी ने एक शब्द बोला था कि कांग्रेस को अब खत्म कर देना चाहिए। क्यों बोला था? उन्हें पता था, वो इतना निर्णय लेने में तो शक्तिशाली थे कि उन्हें पता था कि आगे लोग चल के इस नाम का फायदा उठाएंगे, और शायद उस समय खत्म हो जाती तो इतना कांग्रेस नाम का इतनी इज्जत बनी रहती, सम्मान मिलता रहता। लेकिन अब वो कांग्रेस नहीं बची जो गांधी के टाइम में थी। गांधी और सर्वोदय। सर्वोदय शब्द का अर्थ है सार्वभौमिक उद्यान या सभी की प्रगति। गांधी जी का यह सिद्धांत राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से प्रेरित था। सर्वोदय ऐसे वर्गहीन, जाति विहीन और शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना चाहता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह को अपने सर्वांगीण विकास का साधन और अवसर मिले। सर्वोदय ऐसे मरी ऐसी समाज की रचना चाहता है जिसमें वर्ण वर्ग, धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर किसी समुदाय का ना तो संग्रह हो ना ही बहिष्कार हो। सर्वोदय समाज की रचना ऐसी होगी जो सर्व के निर्माण और सर्व की शक्ति से सर्वहित में चले, जिसमें कम या अधिक शारीरिक समर्थ के लोगों को समाज का संरक्षण समान रूप से प्राप्त हो और सभी तुल्य पारिश्रमिक के हकदार माने जाए। सर्वोदय शब्द गांधी द्वारा प्रतिपादित एक ऐसा विचार है जिसमें सर्वभूत हितेरता की भारतीय कल्पना, सुकरात की सत्य साधना और रस्किन की अंत्योदय की अवधारणा सब कुछ सम्मिलित है। गांधी जी ने कहा था कि मैं अपने पीछे कोई पंथ या संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहता हूं। यही कारण है कि सर्वोदय आज एक समर्थ जीवन, समग्र जीवन तथा संपूर्ण जीवन का पर्याय बन चुका है। अब बात करते हैं गांधी जी और पर्यावरण। 20वीं सदी का आरंभ दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर जागरूकता से हुई थी। प्रत्येक आंदोलन के अलग राजनीतिक विचार और सक्रिय थी, तथापि सभी आंदोलनों को आपस में जोड़ने वाली कड़ी अहिंसा और सत्याग्रह का गांधीवादी दृष्टिकोण ही था। पर्यावरण सुरक्षा गांधीवादी कार्यक्रमों का प्रत्यक्ष एजेंडा नहीं था, लेकिन उनके अधिकांश विचारों को सीधे तौर पर पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा जा सकता है। हरित क्रांति, गहन पर्यावरण आंदोलन आदि ने गांधीवादी विचारधारा के प्रति कृतज्ञता स्वीकार की। आश्रम संकल्प, जिन्हें गांधी जी के 11 संकल्पों के रूप में जाना जाता है, ही सिद्धांत है जिन्होंने गांधी की पर्यावरण संबंधी विचारधारा की नींव रखी। गांधी का स्वदेशी विचार भी प्रकृति के खिलाफ आक्रामक हुआ बिना स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों के उपयोग का सुझाव देता है। उन्होंने आधुनिक सभ्यता, औद्योगिकरण और शहरीकरण की निंदा की। गांधी जी ने कृषि और कुटीर उद्योगों का पर आधारित एक ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था का आह्वान किया। भारत के लिए गांधी की दृष्टि प्राकृतिक संसाधनों के समझदारी भरे उपयोग पर आधारित थी, ना कि प्रकृति, जंगलों, नदियों की सुंदरता के विनाश पर। उनका कथन, जब भी आंसर राइटिंग या फिर कहीं आप ऐसे लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो इसको डाल सकते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया कथन है। उनका प्रसिद्ध कथन था कि पृथ्वी के पास सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन हर किसी के लालच को नहीं। दुनिया भर के पर्यावरणीय आंदोलनों के लिए
एक उपयोगी नारा है। बात करते हैं वर्तमान में गांधी की प्रासंगिकता क्या है। महात्मा गांधी की शिक्षाएं आज और अधिक प्रासंगिक हो गई हैं, जबकि लोग अत्यधिक लालच, व्यापक स्तर पर हिंसा और भागदौड़ भरी जीवन शैली का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकृति को गांधीवादी नजरिए से देखने पर वैश्विक तापन जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं, क्योंकि इस समस्या की जड़ उपभोक्तावाद ही है। गांधीवादी दर्शन में जरूरत के मुताबिक ही उपभोग की बात की है। लोक कल्याणकारी के रूप में राज्य की भूमिका गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत से प्रभावित है। सांप्रदायिक कट्टरता और आतंकवाद के इस वर्तमान दौर में गांधी जी व उनकी विचारधारा की प्रासंगिकता और बढ़ गई है, क्योंकि उनके सिद्धांत के अनुसार सांप्रदायिक सद्भावना कायम करने के लिए सभी धर्मों, विचारधाराओं को साथ लेकर चलना जरूरी है। आज के दौर में उनके सिद्धांत बेहद जरूरी है। 20वीं शताब्दी के प्रभावशाली लोगों में नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, मिखाइल गोरबाचोव, अल्बर्ट श्राइट्जर, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग, आंग सान सू, पोलैंड के लेक वालेसा आदि ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने 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 देश में गांधी की विचारधारा का उपयोग किया और अहिंसा को अपना हथियार बनाकर अपने इलाकों, देशों में परिवर्तन लाए। निष्कर्ष देख लेते हैं इसका। याद रहे कि इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रहा है। इस महामारी को पर्यावरण क्षरण, स्वच्छता में कमी, उपभोक्तावादी जीवन शैली जैसे कारकों का परिणाम माना जा सकता है। गांधीवादी दृष्टिकोण ने सर्वथा पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जरूरत के अनुसार उपभोग, आत्मनिर्भरता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर दिया है। इस संकट काल में गांधी के विचारों की महत्ता एक बार फिर स्थापित होती है। इस महामारी ने एक अवसर प्रदान किया है कि हम अपनी खाद्य श्रृंखला में बदलाव करते हुए गांधीवादी सिद्धांत को अपनाने की आवश्यकता। तो ये था आपका महत्वपूर्ण आर्टिकल गांधी जी की विचारधारा से संबंधित। समझिए और सोचिए आप भी। चलिए, ठीक है।